LBS कंप्यूटर सेंटर में फिर स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार और आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आप लोग को HTML के अंदर आप कैसे इस टाइप के कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, वो भी HTML के अंदर कैसे आप कोड के माध्यम से प्रोग्राम तैयार करके आप एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो आपको कोड तैयार करने के लिए नोटपैड को ओपन करना होगा। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप कैसे HTML के अंदर कैसे आप कोड तैयार करेंगे, कैसे सेव करेंगे, और उसके बाद में आज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना करके आपके बीच लाया हूँ, आपको बताया हूँ कि कैसे आप लोग खुद से घर पे कैसे तैयार करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ओपन करना होगा, टैग HTML लिखना है, देन आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है टाइटल कि आपकी बना क्या रहे हैं। तो मैं टाइटल दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल को बंद कर देना है, और टाइटल बंद करने के बाद बॉडी स्टार्ट कर लेना है। बॉडी के बाद बॉडी क्यों होता है, बॉडी क्या होता है, वो मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर रखा हूँ, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में डाल रखा हूँ। नेक्स्ट आपको बॉडी का बीजी कलर जो है यहाँ पर आपको ले लेना है रेड, या फिर कोई भी आप कलर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फिलहाल ले लेता हूँ रेड, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको यहाँ पर कलर लेना है। नेक्स्ट आपको फॉन्ट का जो कलर हो वो व्हाइट ले लीजिएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए मैं व्हाइट ले लिया। और साइज आपको मैं बार बार बताता हूँ, पिछले वीडियो में बताया था कि +3 डिफॉल्ट साइज होता है। नेक्स्ट आपको अलाइगन मीन्स पैराग्राफ का अलाइगन जो है आपको सेंटर में देना है, तो पी अलाइगन इक्वल सेंटर येलो, मैं इस तरह से दे दिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोल्ड टाइप हो मैसेज, उसके लिए बी लगाना होगा। और कैप्स लॉक जलाने के बाद आपको यहाँ पर कैपिटल अक्षर में जो भी इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, स्कूल का आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, वो स्कूल का यहाँ पर नाम लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख लिया, ये देखिए हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पर बीयर लगाना होगा। बीयर लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर फिर से आपको बीयर टाइप कर लेना है। कोशिश करिए कि ज़्यादातर जो टैग ये कोड तैयार कर रहे हैं वह स्मॉल में टाइप हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको मैं सेव करके दिखलाता हूँ। फाइल पे जाइए, शेप पे जाइए, डेस्कटॉप पर मैं जाकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सेव कर रहा हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन नाम से ही यहाँ पर फॉर्म डॉट, यहाँ पर देखिएगा .html, और देन आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। और सेव करने के बाद आपको चलना है मेन स्क्रीन मीन्स स्क्रीन पे आना है। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया सबसे ऊपर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। राइट क्लिक करके उसको ओपन विथ करेंगे या तो गूगल क्रोम मीन्स वेब ब्राउजर के द्वारा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर कोई भी और अन्य आपके पास है वेब ब्राउजर उसके द्वारा ओपन करेंगे। देखिए ये आपका, देखिए बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया, और फॉन्ट का कलर यहाँ पर जो है से व्हाइट हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको मिनिमाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसको मिनिमाइज करना है क्योंकि इसके अंदर और भी तो ऐड करना है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पी अलाइगन को बंद कर लेना है, ठीक है। अलाइगन को बंद कर लेंगे। अलाइगन को बंद करने के बाद आपको फिर से पैराग्राफ अलाइगन स्टार्ट कर लेना है लेफ्ट में, क्योंकि मैं यहाँ पर लेफ्ट में लिखने जा रहा हूँ क्या, तो फर्स्ट नंबर में जो मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ पॉइंट दे करके, या फिर नंबरिंग भी दे सकते हैं, जो पिछला वीडियो में बताया था कि नंबरिंग कैसे लाना है कोड के माध्यम से। मैं सिंपल से यहाँ पर टाइप करके दिखला रहा हूँ। ये देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पर आपको क्या करना है, लंबा सा एक बॉक्स लेना है। तो बॉक्स लेने के लिए आपको यहां पर ले लेना है यहां पर इस तरह से इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट साइज इक्वल यहां पर 2-3 जो भी लेना है आप यहां पर ऐसे करके ले लेंगे। देखिए मैं 2 ले लिया, इसको मैं बंद कर दिया। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, और सेव कंट्रोल से सेव कर लेंगे क्योंकि चेंज आप किए हैं यहाँ पर, तो उसको इसमें चिपकाना होगा। तो कंट्रोल प्रेस करके सेव कर लेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाकर के यहाँ पर नज़र ना आए तो रिफ्रेश कर लेंगे F5 से, जो चेंजिंग किया हुआ डाटा रहेगा यहाँ पर नज़र आने लगेगा। बट देखिए यहाँ पर बॉक्स ना आया, तो बॉक्स ना आया तो ध्यान दीजिएगा कि इनपुट देखिए यहाँ पर गलत लिख रखे हैं, इसको सही करना होगा। इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट साइज कंट्रोल एस, इस पर चलेंगे और यहाँ सेव। देखिए एक बॉक्स आया क्या, अगर इसको और बॉक्स लेना है तो बस इसको कॉपी कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी जितना बॉक्स चाहिए आप यहाँ पर जाके कंट्रोल वी से क्या कर लेंगे, पेस्ट करते चलेंगे, कॉपी पेस्ट। और मैं इसको वापस से सेव कर रहा हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे मैं गया और F5, ये देख सकते हैं यहाँ पर
आ गया नेम बॉक्स, ठीक है। उसी टाइप से आप जो भी फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी लिखना होगा कंप्लीटली यहां पर लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर। जैसे मैं यहां पर बीआर कमांड लगा रहा हूं और टू नंबर में मैं लिख रहा हूं जैसे डेट ऑफ बर्थ। ये देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ लिख लिया यहां पर, और डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है कि मंथ और ईयर और डे तीन चीज रहता है। तो सबसे पहले आपको डे ले लेना है। डे लेने के बाद आपको एक स्टार्ट करना है कमांड सेलेक्ट कमांड, ठीक है। यहां पर सेलेक्ट ऑप्शन लिखेंगे और यहां से ऑप्शन क्या क्या आना चाहिए, तो एक से तीस तक आता है। तो आपको पहले आपको यहां पर टैग स्टार्ट करना है और ऑप्शन यहां पर ले लेना है और 01, ठीक है, और इसको बंद करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो होता है टैग दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के कोड होता है, ठीक है। टैग दो प्रकार के होता है, एक होता है कि जिसको आपको स्टार्ट करने के बाद बंद करना होता है और एक को स्टार्ट करने के बाद बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए बीआर यहां पर लिए तो इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है, और है जैसे टाइटल लिए तो एक कंटेनर टैग हो गया और ये एम्प्टी टैग हो गया। एम्प्टी टैग जैसे बीआर हुआ इसको बंद नहीं किए, लेकिन आप यहां देखिए एक कंटेनर टैग है इसको बंद करने की आवश्यकता पड़ गया। ये देखिए टाइटल को बंद करना पड़ गया, तो समझ रहे होंगे बात को यहां पर। तो मैं यहां पर अब टाइप क्या कर रहा हूं ऑप्शन, तो ऑप्शन को यहां पर बंद करना होगा, ठीक है। और इसी को आपको क्या करना है कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी, देन यहां पर आपको कंट्रोल भी और यहां पर नंबरिंग चेंज करते जाएंगे। देखिए मैं बहुत सारे यहां पर कर लेता हूं। देखिए मैं कंट्रोल भी से 8 तक मैं यहां पर ले लिया, ठीक है। अगर और आपको 30 तक लेना है तो इसी तरह से कंट्रोल सी करेंगे, यहां पर कंट्रोल भी करेंगे और यहां पर 9 टाइप करते हुए चलेंगे। जैसे मैं एक बार और 10 तक ले लेता हूं, यहां पर देखिए मैं 10 टाइप कर लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है जी, इसको सेव करना है कंट्रोल एस, और आपको जाना है यहां पर और F5 कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहां पर आ गया, यहां पर देख सकते हैं 10 तक मैं लिया था तो ऑप्शन कितना तक आया, सेलेक्ट करने का ऑप्शन कितना तक दिया, तो ये 10 तक दिया। आप जितना लेना है ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहां पर मंथ लेना है, तो मंथ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कमांड यहां पर बंद करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट कमांड यहां पर बंद करने के बाद फिर से नेक्स्ट यहां पर आपको करना होगा मंथ, और मंथ लेने के बाद आपको फिर से सेलेक्ट कमांड को अप्लाई करना होगा और ऑप्शन फिर से सेम रहेगा। तो जैसे कि मैं कोड है ऊपर वाला जो कोड, इसको मैं इस तरह से सिलेक्शन कर लिया, कहां तक, तो यहां तक, ठीक है। और इसको कंट्रोल सी और यहां जाके मैं कंट्रोल भी करूंगा, समझिएगा बात को, कंट्रोल भी और इसको कंट्रोल एस करना है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आ गया मंथ के सामने भी ऑप्शन। ऐसे तो इसको 30 हो या 28 हो या फिर 29 ले लीजिएगा, जो भी आपको लेना है यहां तक। ऐसे में कंप्लीट यहां पर नहीं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर लेके दिखा दिया इतना तक 10 तक, ठीक है। आप इस तरह से ले लेंगे, देन आपको अगला नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ईयर लेना है। ईयर लेने के लिए फिर से वापस से आपको सेलेक्ट को बंद करना है, ध्यान दीजिएगा यहां पर सेलेक्ट को बंद करना है और यहां पर से ईयर ले लेना है। यहां पर ये देखिए ईयर में ले लिया। ईयर करने के बाद आपको क्या करना है, एक कमांड को फिर से इस तरह से कॉपी कर लेंगे और यहां पर कंट्रोल भी कर लेंगे और यहां से जितना आपको स्टार्ट करना है, जैसे मैं 2000 से स्टार्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। और उसी तरह से 2001 कर लेना, 2003 कर लेना, आपको जितना चाहिए। मैं यहां पर कुछ ले लेता हूं, दो तीन, जैसे देखिए मैं 8 तक ले लिया, 2008 तक ले लिया यहां पर। उसके बाद कंट्रोल एस करना है, सेव करने के बाद वापस से चला इंटरनेट एक्सप्लोरर और F5, और देखिए यहां पर दिक्कत क्या आया कि ये बाहर निकल गया। तो आपको अगर इस टाइप का दिक्कत हो तो यहां पर ध्यान देना होगा ये यहां पर, कि देखिए यहां पर सेलेक्ट को बंद नहीं किया है। देखिए यहां पर आप सेलेक्ट को क्या नहीं किए हैं, बंद नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर बंद करना है यहां से इस तरह से स्लैश लगा करके, और आपको यहां पर जस्ट यहीं पर आपको फिर से सेलेक्ट कमांड को लिखना होगा, सेव करके इंटरनेट एक्सप्लोरर और F5। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आ गया क्या। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ क्या है 4, यहां पर 3, यहां पर 2006, तो इस टाइप से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां आपको यहां पर पहले तो बंद करना होगा सेलेक्ट, ठीक है। देन आपको यहां पर BR और यहां पर थर्ड नंबर में जैसे मैं ले रहा हूं जेंडर, ठीक है, जेंडर ले रहा हूं यहां पर। जेंडर लेने के बाद होता क्या है कि मेल और फीमेल का ऑप्शन होता है, तो मेल और फीमेल में होता है कि गोल सर्कल जैसा मैं टिक लगाने वाला ऑप्शन लाना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड क्या होता है, तो इनपुट टाइप, यहां पर देखिए ध्यान से दीजिएगा, इनपुट टाइप इक्वल यहां पर लेना है रेशियो नेम, ठीक है, रेशियो नेम इक्वल R1 चाहिए, ठीक है। R1 मींस होता है ये आपका गोल एक बन गया। जैसे मैं दिखलाता हूं एडजस्ट प्रीव्यू, सेव करके यहां पर ले चलिए, ये देखिए आया नहीं आया, तो यहां पर देखिए R A
शियो नेम इनपुट टाइप, देखिए यहाँ पर गलत हो रहा है क्या, आपको यहाँ पर ध्यान से दिखना होगा, इनपुट टाइप इक्वल रेशियो नेम इज इक्वल टू आर वन, यहाँ पर जाकर के A5, देखिए एक टिक वाला आ गया क्या, बट आपको एक और चाहिए ना, तो एक और चाहिए तो उसके लिए आपको फीमेल टाइप करना होगा और सेम आर वन को ही कॉपी कर लेना है इस तरह से, ठीक है, आर वन को ऐसे कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका आ गया, फीमेल तो फीमेल लेना है, मेल तो मेल ले लेना है, जो भी अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको अगर यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह का टिक मार्क चाहिए नेक्स्ट आगे फोर में तो कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा, बस आप वीडियो में बने रहे शुरू से लास्ट तक, बहुत सी चीज सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नए है चैनल पर तो फटाक से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलते हैं हम लोग आगे टॉपिक की ओर, यहाँ पर देखिए फोर नंबर में, फोर नंबर में जैसे कि कैटेगरी देना चाहते हैं, ये देखिए कैटेगरी हो गया, कैटेगरी में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट जेनरल होता है, ठीक है, जेनरल में आपको टिक मार्क के लिए चाहिए तो आपको जस्ट इसी को ही कॉपी करना होगा, ठीक है, बट कॉपी करने के बाद आपको एक हल्का सा छोटा सा चेंजिंग करना है कि आप यहाँ पर वन लिए तो आपको यहाँ पर टू लेना होगा, ठीक है, टू लेने के बाद आपको इसको कंट्रोल एस करना है और इसी को फिर से कॉपी करके, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर जैसे कि एस टी, ठीक है, एस टी और एस सी करना है और इसी को पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ से ओ बी सी या ई बी सी, ठीक है, ई बी सी और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे और सेव करने के बाद आप चलेंगे इंटरनेट एक्सप्लोजर स्क्रीन पे और यहाँ पर देंगे F5 और आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ऑप्शन आ गया, जैसे यहाँ मेल हुआ, यहाँ से जनरल हुआ, आप इस टाइप से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बना करके सबमिट करने का यहाँ पर अगर पॉपअप आ जाए तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कैसे बनेगा जी, तो चलिए मैं यहाँ पर दिखलाता हूँ, आपको यहाँ पर जाना है, फिर से बी आर टाइप करना है और अलाइगन को बंद करके, यहाँ पर अलाइगन को बंद कर लीजिए, ये देखिए मैं बंद कर लिया, और पी अलाइगन को स्टार्ट करना है और सेंटर में लगाइए और सेंटर में टाइप कर लीजिए एक कमांड इनपुट टाइप इक्वल यहाँ पर बटन बटन वैल्यू इक्वल यहाँ पर सबमिट, ठीक है, अब सबमिट लिखने के बाद आप टैग को बंद कर लेना होगा और सेव करके कंट्रोल एस और यहाँ पर चलिए और F5, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे किसी का नाम होगा एश ए ना, इस तरह से यहाँ से जो भी रहेगा से ले लेना है और यहाँ से इस तरह से ये देखिए सबमिट का ऑप्शन दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर बताया वो सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कंप्यूटर से रिलेटेड इस चैनल पे मैं बहुत सारा वीडियो दे रखा हूँ, वहाँ पर से जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर से ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, किसी और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ आता हूँ।